आजा साले आजा, चल रहा बिल्कुल चुप बात है, बिल्कुल चुप चुप नहीं तो चुप नहीं तो बहुत तेज़ मारूंगा, चुप एकदम, आवाज नीचे करके रखी आ रही है, बैठ यहाँ पे, बैठ 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 इधर बैठ। अच्छा जी, अच्छा जी, समझ नहीं आ रही है, मुझे पीटने के लिए बुला, समझ आ रही नहीं आ रही, आ रही। What's up guys, this is शिवम पांडे, guys तुम्हारा भाई लेके आ चुका है फिर से नई वीडियो को। तो guys जो आज की प्रॉब्लम है ना, आज की कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है, तो हमारे साथ है आज नेहा। तो guys जो नेहा की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है, तो नेहा एक बार हमारी ऑडियंस को सारी बात बताओ, क्या हुआ आपके साथ? मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी और काफ़ी टाइम से थी, मैं लिविंग में रहती थी। एक टाइम पर मैंने उसे फ़ोन किया और उसने कहा कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो इसीलिए मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। नहीं, बेसिकली आप मेरे को बोल रहे थे कि ना लिविंग रिलेशनशिप में हम रहते थे साथ में, मतलब देखो गाइस ये बता नहीं पा रही है, ऑन कैमरा हर बंदा नहीं बोल सकता। तो प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि इन्होंने मुझे बताया था कि एक बंदे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे काफ़ी टाइम से, इनके फादर नहीं है ये, ओनली मतलब इनकी मदर है और घर को चलाने के लिए बस यही जॉब कर रहे हैं इस टाइम पे। तो जिसकी वजह से एक लड़के के साथ ये रिलेशनशिप में आए और उसके बाद वो जो बंदा था इन्हें डिच करके चला गया। डिच मीन्स मतलब पहले तो एक साल रहा इनके साथ और थोड़ा सा इंटीमेट वगैरह हुआ फिजिकली वगैरह, देखो गैस सारी बातें बोलनी अच्छी नहीं लगती, तो जिसकी वजह से ना ये मतलब डिप्रेशन जिसे आप समझते हो ना, तो ये डिप्रेशन में चले गए थे। और अभी ने कुछ दिन से मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे थे, बहुत सारे मैसेज भी आते, मैं रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूँ उसके लिए सॉरी। तो जब मैंने इनका मैसेज देखा, इन्होंने मुझे बताया, तो मेरे को बुरा लगा, तो मैंने कहा एक बार आप मुझसे मिलने आ जाओ, फिर उन्होंने मुझसे सारी बातें शेयर करी। तो एक बार नेहा कोशिश करो जैसे तैसे उस लड़के को ना कॉल करके उसे बस इतना बोलो कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो एक बार लास्ट टाइम आप उसे मिलने के लिए बुला लो, उसके बाद मैं देखता हूँ। देखो कोशिश करूँगा कि आपका रिलेशनशिप अच्छा जाए, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि किसी का रिलेशन टूटे या कुछ हो, तो एक बार आप इसे कॉल कर लो और इसे बुला लो यहाँ पे जैसे तैसे, मतलब प्यार से बोलना कि मुझे आपसे एक बार लास्ट बार मिलना है, और एक बार स्पीकर में रखना फ़ोन, ठीक है? गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। कॉल गई, हेलो, हाँ हेलो कार्तिक, हाँ बोलो नेहा, मुझे ना तुमसे एक बार आखिरी बार मिलना था, लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना यार, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ हमारा रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, इसलिए मुझे तुम्हें मिलना भी नहीं है, प्लीज एक बार मुझसे आखिरी बार मिल लो, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। देख लो मैं तुमसे अब लास्ट बार मिल रहा हूँ, इसके बाद मैं तुमसे जिंदगी में कभी नहीं मिलना चाहता और ना ही कभी तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ। ठीक है, तुम एक बार लास्ट टाइम तुम मुझसे मिल लो। तो गाइस देखो लड़का आ रहा है, मैं भी नहीं चाहता हूँ यार किसी का रिलेशन ख़राब हो, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि इनकी शादी टूटे या कुछ भी हो, कोशिश यही रहेगी अपनी भाई कि उस बंदे को जितना हो सके मनाने की कोशिश करूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो, और भाई से बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर पॉपअप नीचे आ रहा है, और आपको भी कोई भी मैसेज कर सकता है, मैं सारे मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। हाँ, क्यों मिला था मिलने के लिए? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? एक बार बैठो तो सही। मैं बैठने के लिए नहीं आया। एक बार बैठो तो सही। मैं बैठने के लिए नहीं आया यहाँ पे, मैं तुमसे बात करने के लिए एंड आया हूँ कि हमारे बीच में अब कुछ नहीं हो सकता, हम दोनों अलग हो चुके हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाऊं, तुमने कहा मुझे लास्ट बार मिलना है, मैं इसलिए आया हूँ, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलने वाला हूँ। मेरी गलती क्या है यार? तुम्हें कोई और मिल गई है? मैं फिर वही बात है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, साल भर से रिलेशनशिप में थे हम, साल भर से कोई मजाक नहीं चल रहा यार, तुम मजाक, तो तुमने एक बार ऐसे तोड़ दोगे रिलेशन मेरा? उस रिलेशन में हम दोनों थे, ना कि सिर्फ तुम, तुम्हारा डिसीजन और मेरा कुछ नहीं। तो मैंने डिसीजन सुना तो दिया, मुझे नहीं रहना है। मेरा मेरा क्या, तुम्हारा क्या, तुम अपने देखो, मैं अपने रास्ते हूँ, तुम अपने देखू और क्या, क्या देखू मैं अपना, क्या देखना है इसमें, मेरे रास्ता अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम मेरे साथ थे, और जो तुमने वादे किए थे तुम मुझसे शादी करोगे, ये करोगे, वो करोगे, मेरे को अब शादी नहीं करनी। पर क्यों नहीं करनी? मुझे नहीं करनी है यार, तुम ऐसा नहीं कर सकते ना मेरे साथ। मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं करनी है शादी क्योंकि मेरे को अपना करियर देखना है, अभी शादी करके इन झंझटों में नहीं पड़ना है। तुम हाथ छुड़ा रहे हो तुम मुझसे, एक टाइम पे तो बहुत अच्छा लगता था मेरा हाथ पकड़ना। यार हाथ पकड़ने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे आपके साथ बोलने आया हूँ ना लास्ट में कि मुझे नहीं रहना है, नहीं रहना है, नहीं रहना है। यार प्लीज तुम ऐसा मत करो, प्लीज मैं रह नहीं पाऊंगी तुम्हारे में। बट रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें इस रिलेशनशिप को नहीं बढ़ा सकता मैं आगे, और मेरे को तुमसे शादी नहीं करनी है, बहुत हो गया है।
अभी मैं अपने करियर में फोकस हूँ, अभी मेरे को कुछ काम करना है, अपनी लाइफ में कुछ बनना है, तब जाके मैं किसी एंड पे पहुँचूंगा। बट अभी मुझे शादी नहीं करनी। मैं भी तो ना, मैं भी तो तुम्हारी मदद करूंगी ना हमारा करियर बनाने में। लेकिन बट मैं नहीं रहना चाहता, प्लीज तुम बात समझो। मुझसे क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। प्लीज ऐसा मत करो ना मेरे साथ। यार मैं बोल रहा हूँ, फिर वही बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? छोड़ मत जाओ प्लीज। फिर वही बात, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। प्लीज प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा नहीं, नहीं, नहीं। उठो मेरे को छोड़ो। प्लीज ऐसा मत करो ना। मैं कह रहा हूँ बात क्यों नहीं मान रही तुम? मुझे नहीं रहना अब रिलेशनशिप में। फिर वही बात कि मैं एक साल से थी, हो गया जो भी था। तुम मेरा बस मिसयूज कर रहे थे। क्या मिसयूज, क्या क्या मतलब होता है? देखो मैं तुम्हारे खिलाफ ना पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी और मैं तुम्हारे घर तक जा सकती हूँ। समझाई बात? बिल्कुल दे रही हूँ मैं। धमकी दे रही हूँ? बिल्कुल दे रही हूँ मैं। क्या धमकी? घर तक जाऊंगी मैं, दूंगी कि तूने मेरा यूज किया है, का केस करूंगी मैं तुम्हारे। करो करो, मैं अभी दे रहा हूँ तुम्हें नंबर, तुम जाओ खुद जाओ करके आ जाओ। यार प्लीज ऐसा मत करो ना प्लीज। तुम मुझे धमकी दे रही हो खुलेआम? यार ये हद है। एक साल का रिलेशनशिप था, प्लीज ऐसा तोड़ के मत जाओ मेरे साथ। ना ना तुम करके जाओ, तुम अपना काम करो। तुम मेरे को धमकी दे रही हो यहाँ पे? सॉरी मुझसे गलती हो गई, आज के बाद नहीं बोलूंगी। प्लीज एक बार मौका दे दो। तुम करो करो कंप्लेन करो तुम अच्छे से पहले। मैं तुमसे तो ज्यादा प्यार करती हूं। नहीं नहीं करो करो करो, तुम जाओ, तुम अपना काम करो। सॉरी मैं कह रहा हूँ तुम्हें, फिर वही समझ नहीं आ रहा तुम्हें? अभी मेरे को यहाँ खड़े होकर धमकी दे रही हो कि मेरे घर तक पहुंचोगी और पुलिस कंप्लेन हैरासमेंट वगैरह केस करोगी मेरे पे। तुमने इस बात के लिए मेरे को यहाँ बुलाया? नहीं, तुमने मेरे को इसीलिए बुलाया ना यहाँ धमकी देने के लिए? मेरे साथ रिश्ता मत खत्म करो प्लीज। मैं वही बात कह रहा हूँ फिर, यार फिर वही बात है, समझ नहीं आ रहा क्या? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ प्लीज। कंप्लेन करो, कंप्लेन करो, तुम जाओ, मैं खुद चल रहा हूँ। मुझे धमकी दे रही हो ना यहाँ आके कि मैं पुलिस कंप्लेन कर रही हूँ, हैरासमेंट कर रही हूँ। करो तुम, चलो मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। वो मैं ऐसे कह रही थी, मुझे गुस्सा आ गया था बस। क्या गुस्सा आ गया था, क्या मतलब है भाई? मैं एक बार के लिए सोच रहा था कि मैं इस रिलेशनशिप में कुछ सोचूं और तुम मुझे यहाँ धमकी दे रही हो कि मैं तेरा यहाँ पुलिस कंप्लेन करूं और ये करूं। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं करो, तुम कंप्लेन करो जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, ऐसे तुम छोड़ कैसे जा सकते हो? छोड़ क्या कार्तिक भाई, ये कौन है? एक मिनट मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। बैठो बैठो, तुम बैठो यहाँ पर। ये कौन है? बैठो पहले बैठो। हाँ भाई क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया? अब भी बैठ जाओ, कोई बात नहीं। क्या प्रॉब्लम क्या हो गया मुझे बताओ, क्या प्रॉब्लम है आपको? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आप हो कौन और भाई? देखो सुनो मेरी बात, मैं कोई भी हूँ ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? यार प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट आप हो कौन? हम दोनों यहाँ पे कुछ भी बात करें पर्सनल, आप ऐसे देखो कैसे मैं सपोज मैं इसका भाई हूँ ये समझ लो ठीक है। यार देखो मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। देखो उस लड़की की जिंदगी मत खराब करो, वो बेचारी परेशान है यार। इसमें मैंने कोई जिंदगी बर्बाद नहीं करी है, वो भी मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, मैं भी उसके साथ रिलेशनशिप में था। रिलेशनशिप में तुम दोनों थे तो तोड़ कौन रहा है ये बताओ? यार तोड़ कौन रहा है का क्या मतलब है? बस अब हो गया जो एक साल में होते रिलेशनशिप में, बट अब मेरी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है साथ के लिए, इसलिए मैं नहीं करना चाहता। नहीं तो ये क्या मतलब होता है कि आपकी फैमिली अब अलाउड नहीं कर रही तो आप शादी नहीं करोगे? यार वही पूछना चाहता हूँ मैं। देखो अभी मैं, देखो मैं गुस्सा करने नहीं आया हूँ, मैं झगड़ा करने नहीं आया हूँ। सुनो मेरी बात ना, बात होने से देखो मैं, सुनो मेरी बात, उस लड़की को देखो मैम रो मत। अरे नेहा नेहा भाई ये समझ लो मैं तुम्हारा भाई जैसा हूँ। देखो उस किसी मतलब होता, हम दोनों की बात है, तेरे को मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरी बात सुन ले। तेरे सामने मैं कुछ बोल रहा हूँ तू बात समझ नहीं रहा क्या? मैं भी मैटर है, हम दोनों बात करें। चल तुम दोनों का मैटर है, रिलेशनशिप में आए, गलती एक बात बता, शादी क्यों नहीं करना चाहता उससे? यार मेरा मन है, मुझे नहीं करना। तो मतलब तेरा जब तक मन था, जब तक तेरे को रिलेशनशिप में रहना था, तब तक तू रह। देख तेरे सामने अभी भी बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, मान जा इस चीज को। सुन देख फिर वही बात है, कौन है बंदा भाई मेरे से ऐसे कैसे? अरे मैं तेरे को बोल रहा हूँ भाई, मान जा, लड़की को परेशान मत कर, समझ रहा है इस चीज को? यार मैं वही बोल रहा हूँ, तुम हो कौन पहले? यार मैं भाई हूँ, मैं बोलता रहा, मैं उसका भाई। जो भी हो यार बेटा, हमारा मैटर है, तुम ऐसे बीच में आके। भाई देख मैं अभी भी तेरे से यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज यार एक साल का तुम्हारा रिलेशनशिप, एक बात बता भाई हमें, मुझे तो जब तेरे को मजे कर रहे थे तब तो तूने मजे किए। मजे क्या बात है, वो भी मेरे साथ थी, मैं भी उसके साथ था, रिलेशनशिप था, हो गया बस। मैडम शादी करनी है आपको? मुझे करनी है। करेगा इससे? मुझे नहीं करनी। अगर वो पुलिस कंप्लेंट करेगी तेरे को समझ नहीं आ रही बात? ऐसे कुछ नहीं। अच्छा तेरे को पुलिस के डर नहीं लगता? वो भी मेरे साथ है रिलेशनशिप में, मैं भी उसमें। नहीं तो तू भी तो यार, तो वो तो शादी करना चाहती, तू नहीं कर रहा है? मैं नहीं कर रहा। तो नहीं करेगा शादी करने के लिए? बट मेरे को अभी नहीं करनी, फिर वही बात है। नहीं तू इधर सुन मेरी बात, सुन 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 सुन, ओए तेरे से प्यार से बोल रहा हूँ, समझा ही रहा था अभी तक। तू शादी नहीं करेगा? कैसे बात कर रहा, शादी नहीं करेगा? नहीं एक बार फिर से बोल मेरे को। कोई भाई भाई नहीं था, अभी भाई आ गया अभी। अबे ओ सुन मेरी बात, हेलो हाथ कैसे लगा रहा है भाई? पता ऐसे लगा रहा हूँ हाथ, दिखाऊं कैसे? ऐसे लगा रहा हूँ हाथ, बैठ यहाँ। क्यों मार रहे? बैठ नहीं तो बैठ जा, प्यार से बोल रहा हूँ अभी भी। क्यों लगाया भाई? इधर बैठ, इधर बैठ, बैठ यहाँ बैठ। मार कैसे रहा है?
तेरे को समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रही। बैठ यहाँ पे, बैठ 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 इधर बैठ। अच्छा जी, अच्छा जी, समझ नहीं आ रही है, मुझे पीटने के लिए बुला। समझ आ रही नहीं आ रही, आ रही नहीं आ रही। बैठ यहाँ, कौन है ये? बैठ 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 बैठ, पीटना नहीं, मैं तेरे को बताता हूँ, सुन बैठ इधर बैठ। तेरे को प्यार से मैं बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रही तेरे को? यानी मुझे पीटने के लिए बुला रहा है ना किसी को? कोई नहीं, मैं देखूंगा बाद में। भाई तू इधर बैठ, नीचे बैठ, फिर बैठ नीचे, हाथ कैसे नीचे, बैठ नीचे, नीचे बैठ, बैठ नीचे, बैठ नीचे, नीचे बैठ भाई, मार बैठ। मैं तुझे बताता हूँ हाथ कैसे लगा रहा है। क्या किया तूने एक साल तक, मजे लिए ना? इधर देख, इधर साल भर तक मजे लिए ना? छोड़ तू, ऐसे हाथ कैसे लगा रहा है? साल भर तक मजे लिए ना तूने? साल भर तक तब कहाँ था? हाँ क्या, मैं तो यही खड़ा हूँ, यही देख, मैं यही खड़ा हूँ, यही देख, यही खड़ा हूँ, यही खड़ा, ये देख मेरे को, मैं खड़ा हूँ, ये देख। तेरे को कह रहा हूँ समझ में नहीं आ रही, तेरे को कह रहा हूँ बैठ जाए यहाँ पे। अच्छा, शादी करना है आपको? करना है? इस लड़के के साथ करोगे आप? ये करना है? शादी करेगा नहीं करेगा? शादी करेगा या नहीं करेगा? मैडम एक काम करो, पुलिस कंप्लेंट बुलाओ, पुलिस बुलाओ। पुलिस के शौक है ना तेरे को? है ना शौक है कि नहीं है? पहले हाथ छोड़। हाँ छोड़ दिया, छोड़ दिया। अब बता हाथ कैसे लगाया? हाथ ऐसे लगाया तेरे को? मैडम ये प्यार से समझने वाले लड़के नहीं है, ये प्यार से नहीं समझेंगे। देखो मैं ऐसा भाई आपको बोल रहा हूँ, इसको अभी तक प्यार से समझाया, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ इससे, इसको करनी नहीं शादी। क्या क्या दिक्कत है तेरे को ये बता भाई? मुझे नहीं, क्या दिक्कत? तूने हाथ क्यों लगाया? तुझे करनी नहीं होगी शादी तो तूने एक साल तक मजे कैसे लिए बता भाई? मजे के क्या बात है, तू रिलेशनशिप में थी, मैं भी रिलेशनशिप में था। वो तो शादी करना चाहती, तू तो नहीं कर रहा है, तू नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, नहीं करना चाह रहा। मैडम पुलिस कंप्लेंट करो, लगाओ पुलिस कंप्लेंट करो थाने में। अरे भाई ये लड़के आज आपके साथ कर रहा है, कल किसी और के साथ, बीच में कैसे बोल रहा है? बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, चुप नहीं तो, चुप नहीं तो बहुत तेज से मारूंगा, चुप एकदम। आवाज नीचे करके रखियो, तेरे से बात नहीं कर रहा ना अभी, साले ऐसे छाती फाड़ दूंगा तेरी दो मिनट के अंदर, आए समझ में? चुप रहियो। मैडम घर वालों को बुलाओ, मजाक छट के कह रहा हूँ, अपनी मम्मा को बुलाओ, तुझे शर्म नहीं आती? उसके उसके सिर्फ डैड नहीं है, हैं उसके साथ मजे लिए और आज शादी की बारी आ रही हो, हाँ छोड़ रहे थे उसका, अभी ये दर्द नहीं हो रहा? कहाँ के फूल जाएंगी तेरी, ऐसे फट जाएगा तेरा चेस्ट। आवाज आ रही तेरे को? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है बेटा? मैडम थाने में कंप्लेंट कराओ, ये ऐसे नहीं मानेगा लड़का, ये शादी नहीं करेगा आपसे, मुझे पता है। ये वो लड़के हैं जो रिलेशनशिप में आने के बाद शादी नहीं करते हैं। बाहर नहीं, मैं इसका भाई जैसा हूँ, तुझे बताता हूँ मैं कौन हूँ, मैं तुझे बताऊंगा। ये हाथ क्या लगा रहा है? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है तेरे, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ यहाँ यहाँ, साढ़े भी एक ही घूसे में तेरा इतना बुद्धि खराब हुई है? बुलाओ मैं पुलिस कंप्लेंट मैं कराता हूँ, रुक जाओ। मैडम चलोगे थाने मेरे साथ? अभी आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं सुधरेगा। प्यार से सुधरता तो सुधर जाता, ये नहीं सुधरेगा, मैं कह रहा हूँ नहीं सुधरेगा। नीचे बैठे रहिए, उठ गया तो बहुत मारूंगा, उठ मत जाइयो, ये नहीं सुधरेगा। मैडम आपसे कह रहा हूँ, आप, मैं कह रहा हूँ पुलिस कंप्लेंट कराओ, और जितने भी साल भर से मजे लिए ना, मजे लेते समय तो तेरे को बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, आया ना भाई? वो मेरे साथ रिलेशनशिप है, तू मार क्यों रहा है भाई? तो तू वो तो शादी, मैं पता क्यों मार रहा हूँ? मेरा तो मन कर रहा है तेरे को बीच से फाड़ दूं, मारने का मन नहीं, पटक के मारने का मन कर रहा है। समझा लो इसको, क्या समझाएंगे मैडम, क्या समझाएंगे बता, है बहुत हो रहा है, बहुत देर से पीटे जा रहा है। बिल्कुल चुप, आवाज कर, बंद कर आवाज, आवाज निकली ना, बहुत हो गया, आवाज निकली तो बहुत मारूंगा, अगर निकल गई आवाज तेरी, आवाज नहीं चाहिए मेरे को। जो यहाँ दर्द हो रहा है ना तेरे, यहाँ पे, यहाँ 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 यहाँ, ये साले हड्डी तोड़ दूंगा तेरी दो मिनट के अंदर, समझ रहा है? मैडम देखो पुलिस कंप्लेंट करा लो, मजाक छट के कह रहा हूँ, ये नहीं मानेगा, और आपको मेरे हिसाब से, देखो मेरी यही राय है, ये शादी ना करो तो भी फायदा, शादी करेगा नहीं करेगा तेरे से फिर से पूछ रहा हूँ। देख मेरा, देख आज आज सुन मेरी बात, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है मारने का, मेरा वैसे ही मूड ऑफ है, पटक के मारूंगा बीस। मैं एक तो तुझे जानता हूं भाई, जानता है होता तो तू, जानता होता तो ना तू ये करता ही नहीं, जानता होता तो तेरी फटी पड़ी होती अगर तू जान रहा होता तो, समझ रहा है? हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर, कर नीचे, जान मार, तेरी हरकत पे मार रहा हूँ मैं। तूने जो किया है ना ये कर्म कांड, अभी कह रहा अकेले किया था, है दोनों साथ में किए हो तो शादी तो वो भी कर रही, तू क्यों नहीं कर रहा है? बट भाई मेरे घर वाले नहीं मान रहे। तेरे घर वाले तो, घर वाले ने बोला था तेरे को रिलेशनशिप करने के लिए, बोला था? ये बता, हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर, रिलेशनशिप के लिए बोला था तेरे को? बहुत हो, चुप, बिल्कुल चुप, चुप बिल्कुल, आवाज नहीं चाहिए, है आवाज नहीं चाहिए, चाहिए समझा, आवाज नहीं चाहिए मेरे को, आवाज इसको। मैडम चलो उठो, इसे थाने लेके जाएंगे, तू बिना थाने के सुधरेगा नहीं। घर वाले, जब एक बार बता तेरे को घर वाले ने बोला तेरे रिलेशनशिप के लिए? तो भाई वो भी तो मेरे साथ में थी। अब तू थाने अब इसकी आंख इधर था, वो भी तेरे साथ थी, तो तेरे साथ थी तो आज शादी के लिए भी तो बोल रही तेरे साथ, वो बोल रही नहीं बोल रही, हैं बोल रही कि नहीं बोल रही,
बोल रही कि नहीं बोल रही? इधर 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 बोल रही कि नहीं बोल रही? हैं बोल रही कि नहीं बोल रही, ये बता है बोल रही कि नहीं बोल रही? देख अभी भी लास्ट बार बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तेरे से, अभी भी उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, इस चीज़ को मान जा, बता। मजाक चल के कह रहा हूँ, इस हाले अभी ये बहुत मारूंगा, बता रहा हूँ, फाड़ दूंगा अभी इससे। मान रहा नहीं मान रहा है? मैंने बोल दिया पहले, नहीं करेगा ना? चल आ जा, हो गया, आ जा आ जा आ जा आ जा साले आ जा, चल रहे हो ना? हाँ। इसके घर वालों का नंबर, इधर आ इधर आ इधर आ, भाग मत भाग मत, इसके घर वाले का नंबर है ना? हाँ। है? हाँ। थाने चलो, अपने फैमिली को बुलाओ, ठीक है, जहाँ रहते थे उसका एड्रेस दो और इसके घर का एड्रेस दो, और सुन तेरी बात सुन, जितना इधर सुन, इधर जितना तू बॉयफ्रेंड बनता है ना, अब तू साले तेरी शादी भी नहीं होगी, देख इधर देख तेरे बाप ने क्या लगा रखा है, दिख रहा है तेरे को? नहीं भाई कैमरे में, ये कैमरा नहीं तेरी, ये तेरी, ये उधर उधर बोल, उधर बोल, उधर देख के बोल भाई, ये कैमरा बोल, तूने क्या किया पहले, ठीक है क्या कर रहा है ये, शूट करके इधर उधर भेज रही है, इसकी समझ समझ नहीं आ रही है, खाना करवाओ इसको, खाना पुलिस जब तक तेरे साथ होगा नहीं, समझ नहीं, बंद कर दे, कौन है ये? कैमरा नहीं, तेरा बाप बताएगा तुझे, समझ में? ले चलो मैडम भाई, कैमरा ले आओ गाइस, वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक शेयर कर, अरे रुक जा आत्मान यार, चुप बिल्कुल, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, बंद करवा दे, लाइफ उसकी बर्बाद हो रही तब नहीं देख रहा है, उसकी बर्बाद हो रही तब तेरे को नहीं दिख रहा, वीडियो लेके आ जा आशीष, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, इसको थाने लेके चल दो, थाने की वीडियो दिखाते, आ जा आ जा, चल यहाँ से, चल 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 चल, इधर 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 उधर नहीं, इधर चलना, इधर आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, और घर वालों को बुला ले फ़ोन करके, चल 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 चल, घर वालों को बुला, और तेरे को समझाता हूँ मैं, नहीं करेगा शादी ना, शादी नहीं करेगा, तू करेगा शादी, मैडम बुलाओ घर वालों को।